नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की ओर। यूपी के रानीगंज विधानसभा से सपा विधायक डॉक्टर आरके शर्मा बीते गुरुवार को यहां बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वो हॉस्टल और रेजिडेंशियल परिसर में बन रही दीवार पर चलने लगे तो दीवार उनके चलने भर से दरकने लगी। इसके बाद जब उन्होंने दीवार को हाथ से धक्का दिया तो गिर गई, जिसके बाद सपा विधायक ने कॉलेज निर्माण में घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कॉलेज नहीं बल्कि प्रतापगढ़ वासियों के लिए कब्रगाह तैयार किया जा रहा है। सपा विधायक ने ट्वीट करते हुए लिखा, ऐसे घटिया निर्माण कार्य से सरकार युवाओं का भविष्य नहीं तैयार कर रही, यह उनके लिए मौत का इंतजाम है। रानीगंज विधानसभा में बन रहे इंजीनियरिंग कॉलेज में भ्रष्ट सरकारी तंत्र का दर्शन है। दरअसल प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के सिरसत में जंगलों के बीच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, लेकिन इस कॉलेज को बनाने के लिए किस हद तक की घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वानगी विधायक के शेयर किए गए वीडियो से दिखती है। सपा विधायक आर के वर्मा अपने समर्थकों के साथ कॉलेज निर्माण का निरीक्षण करने पहुँचे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में पीली ईंटों के साथ सीमेंट और बालू भी घटिया किस्म का नजर आया। विधायक जब इस नींव पर चलकर जाने लगे तो ईंट हिलने लगी। इसके बाद जरा सा धक्का देने पर ही वह नींव की ईंटें भी उखड़ने लगी। बता दें कि रानीगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, मगर निर्माण सामग्री की घटिया क्वालिटी देखकर विधायक को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन जिले के DM को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद आसपास से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के इंजीनियर आनंद फानन में मौके पर पहुंच गए। वहीं विधायक के DM डॉक्टर नितिन बंसल से मामले की शिकायत करने पर पहुंचे। RAS विभाग के अवर अभियंता ने जांच के लिए सैंपल भेजा। फिलहाल निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप हमें कमेंट अवश्य करें कि कितनी तादाद में यहाँ सामग्री को लेकर लापरवाही की जा रही है या सीमेंट को लेकर लापरवाही की जा रही है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।